दिन फोन दिया, फोन चेक करा। अरे फोन चेक करा तो इधर ला, फोन चेक करा तो वहां बात कर लेंगे। जैसे अभी वो आया तो छोटा वाला फोन मिल गया। अपना बता सकते हो इसमें क्या? दोस्तों देख रहे हो ये पूरी मछली की पकौड़ी जमाई जी अकेले खा जाएंगे। काफी टाइम हो गया आप बेईमानों को घर, सॉरी मेहमानों को, सॉरी मम्मी लोग को घर छोड़ के आता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज कुछ पॉजिटिव वाइब आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा मतलब अंदर ही अंदर पॉजिटिव वाइब आ रही है। दोस्तों फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ मम्मी के पास, घर में जा रहा हूँ, मम्मी को लेकर आता हूँ। अभी बुआ के घर में आ रही है मम्मी भी, बोली थी बुआ से मिलना है। घर में पहुंच गया हूं और आप देख सकते हैं रोड से मम्मी आ रही है मेरी, और साथ में हमारे अम्मा जी भी चल रहे हैं, पड़ोस में रहते हैं अम्मा जी, ये चल रहे हैं हमारे साथ। और मम्मी के हाथ में आप देख सकते हैं ये क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी से पूछते हैं। ये अम्मा जी चले, मम्मी क्या है हाथ उठ रखा है मैंने क्या है हाथ में? चलने वाला दोस्तों, ये चलने वाला है, बोल जिसी में चल के आते ना तुम लोग। चले दोस्तों, ठीक है मैं बैठू। तो मम्मी पहुंच गई है बुआ के घर में, और यहाँ भी पेंटिंग का काम चालू ही है। ये भाई अब पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है मुझे आधी पेंटिंग करनी। हाँ क्लास में तो वैसे पेंटिंग नहीं करता, पेंटिंग में तो नंबर बहुत कम आते हैं। तो नंबर नहीं आते तेरे पेंटिंग में, बताएगी तेरे से पेंटिंग में। अच्छा ऐसे रंग लगा देते हैं, अच्छा कलाकार कौन नहीं होता? अच्छा बिजली है तो मम्मी और बुआ कौन? जो मम्मी के हाथ में जो स्टैंड था ना, वो चलने वाला, वो देखकर किसी बच्चे ने कहा कबाड़ी वाला आया, कबाड़ दे, कबाड़ ले आया। हाँ कबाड़ था काफी टाइम हो गया आप बेईमानों को घर, सॉरी मेहमानों को, सॉरी मम्मी लोग को घर छोड़ के आता हूँ। और इसके बाद इनको भी अभी अंधेरा पुल सोने वाला है ना, वहाँ तक छोड़ के आऊँगा। दोस्तों जमाई जी आए हुए हैं, वो अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आ रहे हैं। ऐसा होता ना कि पहले तो लड़की की तरफ से ज़्यादा लड़कों की तरफ पहला कार्ड, शादी का कार्ड बांटने से पहले तो उनकी शादी का कार्ड पहले लड़की के घर में आएगा, तो वो कार्ड बांटने के लिए आ रहे हैं। तो अभी वो बहन के साथ प्रैंक करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ी देर में प्रैंक दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों? किससे बात कर रहे थे? अरे बात किससे कर रहे थे? फोन दिया, फोन चेक करा। अरे फोन चेक करा तो इधर ला, फोन दिया पहले, फोन चेक करा तो वहाँ बात कर लेंगे। जैसे अभी वो आया तो छोटा वाला फोन मिल गया। आपने दादा से पूछ लेना चाहिए। दादा से पूछ लेने क्या होता है? देखो फोन चेक करा, फोन चेक कराना इधर। देखो मम्मी ये फोन चेक नहीं करा रही, ये मम्मी ये फोन चेक नहीं करा रही। मैं क्या करूं? ला फोन दे, हंस रहा हो तो क्या करी नहीं आपको करूंगी। फोन दिखा, फोन दिखा पहले। मम्मी देख लो फोन चेक नहीं करा रही, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। अब भी फोन नहीं जा रही मम्मी, फोन चेक नहीं करा सकती। तू नहीं करा रही थी चेक, तू अब किससे कर रही? बहना डर गई, बहना डर गई, बहना के साथ किया गया प्रैंक। ये है जमाई जी कार्ड देने के लिए आ रहे हैं ना, अभी अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आ रहे हैं। शादी कहीं और फिक्स हो गई क्या तुम्हारी? हाँ डेट फिक्स हो गई, 8 और 9 की शादी है। अच्छा तो यहाँ कार्ड देने के लिए आए थे हम? छोटा सा प्रैंक कर रहे थे, इन्होंने कैमरा देख लिया है। अच्छा अच्छा, प्रैंक पूरा नहीं हो पाया हमारा। अच्छा अच्छा, और वैसे प्रैंक दिए वैसे कैमरे से, वो वैसे डर नहीं है कि मतलब नंबर वम्बर चेक करने की, डर इस चीज़ की है कि कैमरे के सामने नहीं आना बहन को, क्योंकि अभी बहन का चेहरा काफ़ी सुंदरता से भरा हुआ है। इसलिए कैसा लगा बहन आपको प्रैंक? हाँ
दोस्तों देख रहे हो ये पूरी मछली की पकौड़ी जमाई जी अकेले खा जाएंगे, ये इनका पेट आगे का आगे का बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब, ये सब मेरे लिए है। पेट जो आगे आ रहा है ना इनका, इनका कारण ही हुआ है कि इस वजह से पेट आगे को आ रहा है ना। सही अभी मिलने देखो मटन चिकन भी बन रहा है देखो। हाँ अकेले खा जाओगे सब? हाँ सब अकेले खा लूंगा। अच्छा भाई ये देखो तो देख सकते हो दोस्तों ये अकेला खा जाएंगे सही में ना? बिल्कुल सही में खा लूंगा यार। ठीक है दोस्तों वीडियो को रोकते हैं, मैं भी खाऊंगा साथ में। पंजाबी ढोल और ये बैंड क्यों? अरे ना एक ही चीज होना चाहिए था। क्यों हमारी मर्जी, हम कितनी मर्जी क्यों होगी तुम्हारी यार? तुम्हारी मर्जी नहीं अपनी मर्जी यहाँ पे तो यहाँ पे चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब यार मैं क्या कर सकता, बयाना दे दिया हमने तो। बयाना ऐसा ना, बयाना तुम दे दोगे वापस? दिया बयाना 5,000 रुपए दिया मैंने, ठीक है 5,000 दिए, कैंसिल करो 5,000 रुपए। अरे यार जो मैं कहेंगे टेंशन है, बिना देंगे 5,000 रुपए, 5,000 रुपए मैं दूंगा। क्या बारात लाओगे उस दिन मैं दूंगा 5,000 रुपए? साफ है बाराती कितने आएंगे तुम्हारे? ऐसा कर लो ठीक है, मुझे जो है यहाँ पे भी लिस्ट चाहिए भाई साहब। देखो लिस्ट आगे होता है यहाँ पे, समझी को लेना तब मेरी बात होगी। 1200 या 1500 और बात होना चाहिए वही। मैं 5,000 रुपए मैं दूंगा ठीक है, 5,000 रुपए मैं दूंगा। दो बोतल चार बोतल जितनी है मैं दूंगा। वो छोड़ो बराती मेरे देखो ना जेड़ो 1,500 आएंगे कोई भी बराती भूखा नहीं जाएगा। 1,500 की बराती चाहिए यार, वो देख लूंगा मैं, जीरो उसमें कम कर दूंगा। क्योंकि तुम्हारे जीरो कम करने से क्या आदमी कम हो जाएंगे? ठीक है फिर मेरे पास भी जो है चावल पड़े हैं, धान हुए हैं, तो मैं जो है यार एक बार बताओ तुम 1,500 बराती लाओगे कहाँ से? कितनी गाड़ियां हैं? कितनी गाड़ियां हैं? दो बस कर रखी है मैंने, पैदल लाने के बेचारे दो बस कर रखी है, 10 छोटी गाड़ियां मैं लाऊंगा यार, और बाकी को तो लोग तो मोटरसाइकिल से आएंगे। 1,500 नहीं होगा, 12 उसमें आएंगे मतलब 40। आप तुमने कितने का एवरेज लगाया था? हमने तो कम से कम 80 लोग ज्यादा है ना, 70-80। नहीं जितनी आनी है मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे जो है बराती का चाहिए भाई। उनको देना भी तो पड़ेगा कुछ यार, कम से कम भाई 1,500 तो आएंगे ही ना, नहीं आएंगे इसको क्या भाई? तो अच्छा फिर मैं भी कुछ दूंगा नहीं। क्या नहीं दूंगा? क्या नहीं दूंगी कुछ नहीं, कहने का मतलब क्या उनको खाली टीका लगा। और दूसरी बात जेठू क्या करूंगा? जेठू है वो बड़े हो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसकी तो स्कूटी तो मैं ले जाऊंगा नहीं भाई, पुरानी हो चुकी है। क्या पुरानी हो चुकी है? अरे उतनी चला दी यार तुमने, अभी मैं थोड़ा ना लेके यार वहां नहीं चलानी है तुमने। नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा ठीक है, मत नहीं देंगे हम साइकिल दे देंगे। कौन सा मैंने चलाई है? मैं चलाना जानता नहीं हूं, ये घर में पड़ी है। हैं स्क्रैच तुमने लगाया आगे वो कौन से इसकी यार है? भाई तुम बता यार ये लग नहीं रही है सेकंड हैंड है यार, बता दो सही। जब हमें लेने के लिए आए थे बुलेट चाहिए मेरे को, बुलेट पहले डिमांड क्यों नहीं करते? पहले डिमांड वाली क्या बात होती भाई, स्कूटी नहीं मिल जाऊंगा मैं तो ठीक है, फिर यही छोड़ देना। छोड़ दूंगा जब, नहीं ले जाऊंगा होगा मैं बाद में। अरे कोई नहीं यार मैं खरीद लूंगा अपने, बाद में दे दूंगा। बेइज्जती तुम्हारी होगी जेठू देख लो इसके। ना ना यार ऐसा कोई बात नहीं है, तुम इसलिए भी नहीं देंगे, हम कुछ दे भी नहीं रहे, हम कुछ नहीं दे रहे, हम जो है मालू पात में कन्यादान कर भी रहे। कौन सा पात? मालू पात। कहाँ था मालू पात? मैं बता लू बाद में। माधो के पास सोने का होना चाहिए बोलोगे आप? नहीं तो मालू पास सुनल से या वो कितनों से वो तो बाद में मालू पास में कन्यादान करी के दिन हमने जो है हमको दे भाई साहब स्कूटी तो मैं ठीक है मत लेना। और दारू पीकर नहीं आना चाहिए बराती एक भी, सीधी सी बात लड़के की दारू पीकर नहीं आना चाहिए, लड़के की शादी है भाई, सब फैल के आएंगे दारू क्या ऐसा है? फैल के कोई बात नहीं, कहने का मतलब क्यों तुम भी बेवड़े उसी तरह दारू पी कर आएंगे बराती? क्या सेकंड पास सुनो, हाँ अगर जो फैलेगा वो जंगल में ही जाएगा ठीक है, यहाँ तो कोई नहीं, साफ कहना है। जो बेड़े जब उनको नशा हो जाएगा वो जंगल में सुनेंगे, पता था यहाँ क्या पता करके वो जंगल में सुनेंगे, उनके लिए वहाँ पे जो है नमकीन और चाय रख देंगे। बराती मेरे जितने भी हैं मैंने तो कहा था 1,500 से नीचे नहीं आएंगे, बस ये है भाई साहब उनके लिए कमी पेशी कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मेरे पास आ गया कि आज यार ऐसा ऐसा हो रहा है इधर, 1,500 आएंगे ना तो 1,000 लोगों को यहाँ से नानक बत्ता वहाँ भेज देंगे हम, ये वहाँ पर भंडारे में तुम्हारी जिम्मेदारी है हम नहीं जानते इस बारे में, 1,000 लोगों को वहाँ भेज देंगे तो ठीक है। मैं तो 1,000 लेके आऊंगा बस, हो गया
हजार नहीं, तुम्हें अगर तुम 2000 भी लाओगे हम उसको जो है क्षमता के हिसाब से जैसा होगा, दाल में पानी हमने डालना ही पड़ेगा और सब्जी में पानी डालना ही पड़ेगा, हम उनको खिलाएंगे जरूर। ऐसा नहीं है मिर्ची डाल देंगे वो तो फिर वो ऑलराउंड कार्यक्रम में भी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कहाँ पे कमी हो रही है, कोई ऐसा तो कोई सुना कुल मिलाएगा तुम हमारी बेइज्जती करना चाहते हो? बेइज्जती कैसे करेंगे, इज्जत है तभी तो बेइज्जती होगी, जब इज्जत ही नहीं है तो फिर बेइज्जती। क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? अब तुमने जब बोला कि ऐसा नहीं, नहीं। तो हम ऐसा यार एक बात बताओ, तुम कह रहे हो दाल में पानी डालेंगे, सब चीज में पानी डालेंगे, तो इसका मतलब ऐसा है अरे यार बिना पानी का बनता क्या ये बताओ तुम? ना मैं बराती लाता ही नहीं, मैं अकेला ही आता हूं यहां। ये सही है, बढ़िया हो। अभी भी तो एक बंदे को और लगाओ, फिर लाओ दो बंदे लाओ, लाओ अपनी लड़की को ला, टीका लगाओ ले जाता हूँ। अरे यार मत करो यार, बता दो यार, प्रैंक हो रहा था करके बिना को, खाली बिना की प्रैंक कर रहा था, मजाक हो रही थी। वो देखो कैमरा है सामने, आगे इधर देखो तो सही, और कैमरा तो देखो, कैमरा है वहाँ पर 15 नहीं तुम मेरे लिए 2 भी लाओगी, कैमरा देख कर आप देखो। तो जमाई जी भी अब घर को जाने के लिए तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि चश्मे में स्मार्ट लगता है, वैसे स्मार्ट है नहीं। आइए स्मार्ट तो जरूरी हुआ, और आज के ब्लॉग का अंत कर दो यार। नमस्कार भाई साहब, ये हमारे जेटू जी है, इनका वीडियो देखो, इनके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, शेयर करो, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं ये। ठीक ठीक ठीक, बहुत ही ज्यादा। और कुछ बस, और क्या ठीक है भाई साहब आज के, और बाकी भाई लोगों आप मिलो अब 8 और 9 तारीख को, 8 और 9 तारीख को नहीं आ रहा है, आप उससे अगले दिन आ रहा है इनके घर पे पार्टी लेने, ठीक है। और ये सामने देख सकते हैं आप, ये भेड़ बकरी है, इसमें से 3-4 भेड़ बकरी तो काट ही देंगे, ठीक है। आज के ब्लॉग का अंत यहीं पर ही करते हैं, तब तक कल मिलते हैं, दुल्हन वो है पीछे ये रही, ठीक है। दोस्तों आज के ब्लॉग का अंत यहीं पर ही करते हैं, कल मिलते हैं नई सुबह और नई ताजगी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।